चरवल नगर पंचायत में मौजूद हैं और आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर के यहाँ पर ध्वजारोहण भी किया गया है और यहाँ हमारे बीच में जो नगर पंचायत की अध्यक्षा है वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनके प्रतिनिधि जो है इंतजार अहमद मिथुन भी यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी गणमान्य लोगों ने यहाँ पहुँच करके ध्वजारोहण किया है और राष्ट्रीय गान के द्वारा भारत को सलामी दी है। मैं बात करता हूँ सीधे जो है चेयरमैन कैमरामैन और नज़दीक आ जाए तो चेयरमैन साहब बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से आपने इस जरवल को सजाया है बहुत अच्छा सजा है। रात में भी हम आ नहीं पाए लेकिन लोगों ने दिखाया है मोबाइल पर सब गया है तो ये विचार कैसे आया? पहले तो आप बधाई देना चाहेंगे इस चैनल के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले 15 अगस्त और रक्षाबंधन की सबको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हर साल ऐसे ही प्रोग्राम होंगे क्योंकि जरवल की जनता ने जो सम्मान पे बैठाया है जी वो हम अपने आप को कहीं किसी से अलग नहीं समझते हैं जी। और जो भी हमसे हो पाएगा जरवल की भूमना के लिए तो जरवल मैं अपने अलग से एकदम सजा के जाऊंगा। अभी मेरे पास 3 साल हैं और 3 साल में कोई ऐसी कुलियात्री नहीं बजेगी जहां ये इससे अच्छी सजावट ना हो। धन्यवाद। देखिए यहां पर जैसा कि चेयरमैन जो है जो प्रतिनिधि है इंतजार अहमद मिथुन साहब ने अपनी बात को रखा है, उन्होंने कहा कि जब तक इनका कार्यकाल है ये पूरी जरवल को सजा करके जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है। अब मैं बात करता हूँ पूरी मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हो जोरदार ताली बजाइए भाई साहब के लिए। बहुत अच्छा सा जो है जो है गीत के द्वारा जो है प्रशंसा की है और मैं इस चैनल के द्वारा आप लोग सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्र। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जरवल नगर पंचायत से दोस्तों, ये नगर पंचायत का कार्यालय है और आप देख रहे हैं कि गुब्बारों से रंगीन गुब्बारों से जरवल नगर पंचायत के कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दोस्तों अब आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं जरवल कस्बा नगर पंचायत की नगर अध्यक्षा तस्लीमा बानो अपने पति इंतजार अहमद मिथुन के साथ ध्वजारोहण करने हेतु यहां पर पहुंच चुकी है और आप सामने देख रहे हैं यो देव कुमार भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहां पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं जरवल नगर पंचायत से। गणगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध काटा द्राविड़ उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग सब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जया 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 है। 15 अगस्त मौके पे हम तो इसके बारे में जानते नहीं हैं लेकिन जो देश आज़ाद हुआ जो हमारे भाई शहीद हुए इन लोगों की बड़ी भूमिका जो आज रोड पे हम लोग खड़े होकर चाय पी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, वरना कहीं कोड़े पड़ रहे होते, कहीं पत्थर ढो रहे होते, ये सेवा हम लोग की होती। और आप ये मान लीजिए जो हमारे शहीद हुए हैं भाई लोग उनके लिए 15 अगस्त मनाया जाता है और जो जरवल की जनता आई है वो सब समझ लीजिए सम्मानित व्यक्ति हैं और आने वाले टाइम पे हम लोग ये सोचें कि हर
हिंदू मुसलमान अपने घर पर 26 जनवरी या 15 अगस्त हो तो एक झंडा जरूर लगाएं। जश्न आज़ादी मनाना है हमें, आज ही के दिन मिली आज़ादी थी इसलिए खुशियां मनाना है। कार्यालय नगर पंचायत जरवल में आयोजित किए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदया, उनके प्रतिनिधि इंतजार अहमद जी, पूर्ण सभासद तस्कीर जीरा और यहां पे उपस्थित बोर्ड के सभी सभासदगण प्रमोद कसौंदन जी, फिरोज भाई, मोहम्मद उमर और यहां पे उपस्थित नगर की सम्मानित जनता एवं कर्मचारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का ये राष्ट्रीय पर्व हमारे पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, किंतु आज का ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, उसका मकसद क्या है? आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के महापुरुषों ने अंग्रेज हुकूमत की नींव उखाड़ कर हमारे देश से फेंक दी थी और विजय का परचम हमारे देश में लहरा दिया गया था। नगर पंचायत के प्रांगण में आज हमारे देश का परचम लहरा रहा है, जिसमें माननीय नगर पंचायत जरवल के अध्यक्ष महोदय, उनके प्रतिनिधि इंतजार है और कर्मचारी का हमारे जरवल कस्बे के संप्रांत नागरिक सभी का मैं जरवल कस्बा की सरजमी पे हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। 15 अगस्त का ये जो दिन है हमारे पास, ये बहुत ही अभूतपूर्व दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश न जाने कितने कुर्बानी को आजाद हुआ था। इस देश को वैसे ही नौजवानों की जरूरत हमेशा बनी रहती है। देश का मान सम्मान अगर कायम रखना है तो ऐसे ही शहीदों की तरह हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसीलिए 15 अगस्त को हम बहुत ही एक अभिन्न त्यौहार के रूप में मनाते चले आए हैं। आए हुए सभी स्वजन साथियों का बार बार अभिनंदन और वंदन। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब आप तस्वीरों में देख रहे जो आए हुए मेहमान हैं, आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं जिन्होंने आज कार्यक्रम का संचालन किया है, कलवे हुसैन साहब ये भी यहाँ जो पूर्व सभासद है वो भी मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं मास्टर कुतुबुद्दीन वो भी यहाँ जो मौजूद हैं। इस तरह जो है जरवल के काफ़ी गणमान्य लोग आज जरवल नगर पंचायत पहुँचे और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए। आप देख रहे हैं बच्चों को यहाँ मिठाई भी दी गई है। ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं जरवल नगर पंचायत से। दोस्तों आप देख रहे हैं अनिल सोनी पत्रकार ये भी यहाँ पर मौजूद है, तकशीर अहमद वो भी यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं तकशीर अहमद, और आप देख रहे हैं शब्बू मंसूरी भी सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी गणमान्य लोग मौजूद हैं दोस्तों। ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं जरवल नगर पंचायत से। जैसा कि आप जानते हैं जरवल नगर पंचायत की अध्यक्षा तस्लीमा बानो के नेतृत्व में यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया और सभी लोगों को जो है लड्डू खिला करके मुंह मीठा किया गया। दोस्तों अब आप सामने तस्वीरों में देख रहे जरवल कस्बा लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग को नगर पंचायत की तरफ से दुल्हन की तरह सजाया गया, लाइटों से सजाया गया है। दोस्तों ये लाइटें रात में जलेंगी, आप देखते गुब्बारे, रंगीन गुब्बारे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे जरवल।